नीचे चले टैंक कैरियर हेरे ऊपर जाज हवाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमारे लिए कोई वाल्मीकि नहीं, कोई दूसरी जाति नहीं, हमारे लिए सब बराबर भाई हैं। फिलहाल रे हरियाणा के सोनीपत के गांव ब्रोना में मौजूद हूँ और यो ऐसा ऐसा गांव नहीं, जाटमेर सिंह का गांव है, रागणी गायक, मशहूर रागणी गायक स्वर्गवासी है जाटमेर सिंह जी का गांव है। पूरी समिति इकट्ठी हो रही है जाटमेर सिंह जी, स्वर्गवासी जाटमेर सिंह जी की जो समिति है, जो उनके मतलब न्यूनिका कर भी एक पुष्ट है या पूरी पूरी, क्योंकि उनका तो कोई बालक नहीं था, तो पीछे एक कमेटी है जो पूरी की पूरी संभाल रही है भी। अगर भाई कौन रागणी उनकी को अपने नाम तक नगावे है, ये मामला क्या आया है, रागणी चोरी होगी या किस्सा चोरी हो गया सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि जाटमेर सिंह जी ने लिखा था, क्यों कर चोरी होया, किसने चोरी कराया, क्यों चोरी कराया, और FIR वगैरह पहले भी हो रही है, ये फिर कुछ पंचायत हुई है जिस पंचायत का निर्णय भी पूछांगे कह रहे हैं और सब ने बैठ के सलाह मशवरा भी कराया है, तो पूछांगे क्या कुछ रहा है। फिलहाल मैं बता दूं दोबारा, गांव ब्रोना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव ब्रोना खरखोदा तहसील जाटमेर सिंह जी का गांव है, उनसे बात करेंगे। का भी ऐसे निकास है जी, राम राम। दैया गोद का भी निकास है जी, बहुत बड़ा इतिहास है गांव का। हां दैया गोद का निकास ना, बहुत बड़ा इतिहास है गांव का। और फिलहाल प्रधान तमाम खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी राम राम, पहले आप नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है, कह रहे हैं जाटमेर सिंह जी की रागणी चोरी होगी, ट्रैक्टर आप ऊंची ऊंची लागे जाटमेर सिंह की रागणी लगा कर जब खेती कराया करे किसान, क्योंकि एक जोश आओ एनर्जी आओ, एक गाना था अपने हरियाणा के रोहतक सुनपुर जजर के जातर बालक फौज में जाओ तो बोले ऊपर चाले जहाज हवाई नीचे टैंक एरियल, वे गाने भी काफ़ी याद आवे हैं। प्रधान जी राम राम। नमस्कार अंकुश भाई, लव कुश बड्डे वाले का नाम ले दिया, मालक का नाम ले दिया सीधा, चलो एक के बाद से भाई का एक के बाद। अच्छा प्रधान जी, आज के मामला होया है या चोरी हुई है, रागणी चोरी हुई, मतलब गाड़ी चोरी हो जाए, महेश चोरी हो जाए, को सामान चोरी हो जाए, रागणी क्यों कर चोरी होगी, वो प्रधान जी फोन गाल रहे इन मैं काट लूँ यो चोरी हो गया, पर ये रागणी क्यों कर चोरी हो यार, किसने चोरी करी, चोर कौन, चोर का बेरा, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है लव कुश भाई, ईब पिछली 22 तारीख को चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में सुभाष चंद्र बोस जी के सांग का मंचन हुआ और मंचन किया सूरज बेदी ने, सांगी हैं सूरज बेदी, अच्छा। चंद्रबादी प्रणाली के हमने सूरज बेदी से भी बात करी थी, मैंने फ़ोन किया था, मगर मासिया जी ये सांग मेहर सिंह जी का है, आप इसका मंचन करने जा रहे हो तो मेहर सिंह जी की छाप से ही करना। अच्छा, यो करण ते पहले, हाँ करण ते पहले बात करी थी, चोरी करण ते पहले नू बता दी थी भाई चोरी ना। हाँ जी, हमें क्योंकि उन्होंने पोस्टर लगा रखे थे दयाचंद जी के नाम से, अच्छा, भाई सुभाष चंद्र का बॉस होगा दयाचंद बायना जी का लिखा हुआ, अच्छा। तो हमें पता चल गया था पोस्टर से, बात करी तो सूरज बेदी ने मना कर दिया, भाई मेरी मजबूरी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये दयाचंद कमेटी वाले जो है तैयार करवाए हैं इसने, और ये करवावे हैं भाई, ये तो उनका सांग है, मैं तो कैसे मना कर सकता। अच्छा, तो फिर कौन हो गए इसने चोरी करनी है, चोरी तो दयाचंद कमेटी ने कराया है, अच्छा हाँ, और करवाया है किस पे। दूसरी बात, सूरज बेदी जो सांगी है उस पे करवाया है यू सांग, और इससे पहले भी कई जगह छाप काटी है इन्होंने, किस किस चीज में, बार बार देखो सुभाष चंद्र बोस के किस्से की है, कुछ रागनी हकीकत राय की है, कुछ रागनी अंजना पवन की है, कुछ भजन है, कुछ फुटकड़ रागनियां हैं, चाहे करके गाल तड़पती छोड़ी, हमें 60 साल के उम्र करीब मेरी उम्र है, जब मैं स्कूल में जाया करता ना छोटा सा था, तो उस टाइम भी हम ये रागनी सुन सुन के, और फिर मतलब हमारे अंदर भी थोड़ी ही ये भावना आई, मगा यार देख ये जब लास्ट में नाम आता था कह जाटमेर सिंह, कह जाटमेर सिंह, मगा यार ये तो बहुत बड़ा कवि है, कौन है, जब बच्चे थे उतना ज्ञान नहीं था। एक बार इन्हें छाप वाली बात बता दूं दर्शक, हम छाप का मतलब जो उन्होंने क्या कर बोला कहे जाटमेर सिंह या बात फलानी से, वो चीज है मतलब जो नाम ले दिया करे जुकर किसी कला के, अरे भाई अलग अलग कला खासाचार जुकर दिमाग में आ गया भाई, खासाचार कह दे बोले खासा काम था, तो वो उसकी छाप है, वो उसका एक मार्का होगा, फलाना आदमी अपने गाने में अपना नाम ले हुआ है, तो नू जो रागणी गायक संग करते वो अपने सांग में अपनी रागणी में अपना नाम लिया करते, वो नाम काट के किसी और का लिख दिया, मान लियो को फोन ले लिया होगा बेले मन अपने नाम तक करा लिया, लेकिन रोहित ने वो नाम काट कर अपना लिख दिया, तो गलत है ना, तो वो गलती हो रही है। और लव कुश भाई देखो, चोरी कौन कर सकता है, शहीद कवि मेहर सिंह जी
दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में शहीद हो गए। दयाचंद जी तो जिंदा थे उस टाइम भी, और वो उसके 50-60 साल बाद तक फिर भी जिंदा रहे। तो कुछ गड़बड़ हुई तो बाद में ही तो हुई, जो जिंदा रहा वो है तो छाप काट के है, जो आदमी शहीद हो लिया 1945 में वो के छाप काटेगा? ठीक बात सर, वो तो लिख के जा लिए, तो छाप तो बाद में रहने वाला ही काट के है। हम नहीं कहते दयाचंद जी ने काटी, भाई इनके जो है वारिस है उन्होंने काटी, लेकिन छाप जरूर काटी है। और ये बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज में बहुत ज्यादा रोष है। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम, सिर्फ रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आगे की रणनीति अभी आगे तय होगी, आगे की रणनीति भी ज्यादा आज तय नहीं करी, सिर्फ आज रोष प्रकट किया है हमने। और दूसरी बात ये है कि जैसे समाज में कुछ भाई है, भाई हम वाल्मीकि हैं, आप जाट भाई देखे, इससे हमें कोई वो नहीं है। हम 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं, 36 बिरादरी के भाई हमारे भाई हैं। मेरा गांव कथूरा है, मैं रोहतक में रहा से मेरी, तो रोहतक में जब हम बैठा करा ना, तो साथ में वाल्मीकि भाई भी हैं, पंडित जी भी हैं, हम भी, हाँ सारे भाई कट्ठे बैठ कर धोखा पिया करा, और कट्ठे बैठ कर हाँसिया बोलिया करा, और कट्ठे ताश खेलिया करा। तो हर समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं, कोई छुआछात और वो हमारे अंदर नहीं है। अगर उनके अंदर होगी भाई हम नहीं कह सकते, वो न्यू कहें भाई हम तो गरीब हाँ, और भाई हम क्यों करो, हमने डरा कर न्यू कर गए वो कर गए, ये सब झूठ है, ऐसी कुछ नहीं है। चलो फिलहाल सरपंच साहब काम के, आप तो भी बात करूंगा, रुक जाओ सरपंच साहब। राम राम। राम राम जी। के कुछ मामला है आपके गांव के थे, एक तो बड़ा गौरवशाली हो आप भी, उस गांव के सरपंच हो जिस गांव के जाटमेर सिंह जी थे। आजकल मेरे ख्याल हर गाने में उनका नाम बना, गाना बनता कौन है? तो नमस्कार जी, मैं बरौना गांव से सरपंच हूँ। क्या हो गया जो पूरा आज ये पूरे जो हम जाटमेर सिंह थे, हमारे पूरे इलाके की हमारे गाँव की शान थे, उसके खिलाफ जो उसके राग ने छाप लगाई जा रही है बहुत ही गलत हो रहा है। आज इसी बारे में गणमान्य व्यक्ति हुए, इलाके इकट्ठे हुए, गांव के इकट्ठे हुए हैं, जो भी इसके खिलाफ उचित कार्रवाई गांव कार्रवाई की जाएगी। ठीक बात है। राम राम जी। राम राम जी। आप भी रागनी गाया करो, आप भी कई बार मेहर सिंह जी की रागनी गाओ, अपने लिखी उठ भी गाओ, मेहर सिंह जी गाओ। गे कहोगे जी साहब, तो छाप काटने की बात आओ भाई, नाम हटा दिया जाओ है जाट मेहर सिंह जी जगह दयाचंद मैना का नाम लगा दिया जाओ, या किसी का भी नाम लगा दिया जाओ, क्या कहोगे? ये एक बहुत गलत हुआ है, जो जो सांग हुआ थिएटर में वहाँ पर, हमने एसपी का भी कार्रवाई करी, हमने थाने में भी गए थे, हमें हमारे को मना कर दिया था सूरज बेदी ने कि मैं ये सांग इसके नाम से नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये सांग किया है। अच्छा हाँ, तो ये बहुत गलत धोखा धड़ी कर दिया। हाँ, बिल्कुल धोखा है, नाट भी कर भी दिया। हाँ बिल्कुल धोखा है ये। तो क्या कुछ उचित कार्रवाई क्या करो, एफआईआर करवाओ क्या करो? ये तो ये बड़े बुजुर्ग सब बताएंगे, जो भी होगा कार्रवाई तीज की होगी। ठीक है। हाँ जी प्रधान जी बताओ। राम राम। ऐसा जी, मैं राजवीर वाल्मीकि बलाना गाँव से हूँ। अच्छा। और मैं 2009 में मेले का इलेक्शन लिया था खरखोदा से। ठीक। और मैं सामाजिक आदमी हूँ। अभी जैसे आड़े का बताओ, आड़े का देखो आपने बढ़िया बात इलेक्शन लड़ा है, लेकिन आड़े का मामला बताओ, आड़े का क्या कुछ बताया? मेरा लोग का संगठन कुछ तू। अरे फिर बोलोगे आप तो अपनी राजनीति बताने लगे, बोला भाई मंदिर में लेगा इलेक्शन लड़े, हमने लेगा इलेक्शन तो क्या करना है? सब कुछ मारा बना और था वाल्मीकि का, वो जानकर आप उन चीज आप मत बढ़ो, वाल्मीकि धार जाट था के था, नहीं नहीं हम बातें नहीं करते, जो जातिवाद की बात करेगा हम बात ही नहीं करेंगे, नहीं जातिवाद मत करो। मैं इसलिए बुला गया सामाजिक होने नाते, दयाचंद ने उसकी छाप काटी जाट मेहर सिंह की गाने की, और छाप काटनी हो जो बाप दादा नाम मिटा दे उसको कहते छाप काटना। और जैसे सरपंच साहब ने कहा भाई हम वो वाल्मीकि कहे, हमने गरीब कहे से, इस किस्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने 10-15 साल हो गए वाल्मीकि कथुरिया बनाते बनाते, हमने छुआ छात करते था ना दिए भाई, और भाई हम कति इसके साथ हैं संस्था के, जो यह बना रखी जाट मेहर सिंह की, मैं वाल्मीकि राजवीर हूँ बताने का, यो कति गलत कर रखा, जो छाप काटना सबका साड़ा वाला, जो छाप काट लिया हो ये छाप काट रहे, इनको सजा मिलनी चाहिए, और जो इस संस्था का प्रधान है उड़ेगा जाट छोड़ेगा, उसको बुला गए पंचायत और उसको उसका रिकॉर्ड देखा जाए, उन्हें कद बनाया कौन से शर्मा बनाई, और उसके पास पाओगा नहीं पाओगा उसकी जेड़ खिलाऊंगे। ये बात कि देखो आपने कितनी बढ़िया कही शुरू में, अगर ये बात बोलते तो बहुत बढ़िया, देखो कही है भाई जो गलत है वो गलत घोषित भी होना चाहिए और उसने सजा भी मिलनी चाहिए ना, बहुत बढ़िया बात कही है, और वाल्मीकि समाजते हैं खुद भी। और फिलहाल प्रधान जी राम राम। राम राम जी। क्या कहोगे आज वाल्मीकि समाजते पहुंचे हैं और बहुत बढ़िया बात कही, हालांकि उन्हें अच्छी बात है ना। हाँ जी। तो देखो ऐसा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जाट मेहर सिंह वॉज नॉट प्रोफेशनल कवि, वो देश की आज़ादी के लिए भी अहम योगदान रहा है उनका, और बहुत बड़े कवि रहे, प्रकृति की तरफ से उनको था। हाँ जी।
तो उसकी जितनी रचनाएं हैं बनाई हुई, 1945 में तो स्वर्गवास हो गया था उनका, तो सुभाष चंद्र की बोस में उन्होंने लड़ाई लड़ी और शाम को उनको प्रोत्साहित किया करता जवानों को सुभाष के निर्देश के अनुसार, और वो फौज अगले दिन दोगुने उत्साह से लड़ाई लड़ा करते हैं। उसकी जो छाप काट के सुभाष चंद्र बोस का किस्सा विश्व प्रसिद्ध किस्सा है, वो सभी ने पता है कि ये जाट मेर सिंह ने बना रहा, उसकी भी छाप काट कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यानी इसको कौम को मरा हुआ मान लिया उन लोगों ने। इस जो ये कमेटी है यानी दया खाप है जिनके विश्व प्रसिद्ध कवि रहे, तो मरा हुआ मान लिया, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आज पहली मीटिंग है, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, और बड़ा एक्शन लिया जाए, और बड़ा एक्शन ही, उनको जेल जेल करवाऊंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट 3 ईयर प्रिजन है इसमें। ठीक बात, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। 3 साल की सजा हुआ होनी भी चाहिए। किसी ने एक को तमार कह दिया तो उसमें बड़े बड़े एक्शन चाल दो। आज चोरी थी सपना आड़े शुरू हुई थी मारे, क्योंकि माँ बीडी पी आर थे, हम मारा दौरा बताया करते बेटी ने उगा ले ने उगा ले, समझ भागी बात। सपना चौधरी, हाँ जी हाँ, सारे आ रहे हैं, दही हाथ बड्डा और को खा रहा है सब, हाँ जी। तो ये है, अब बहुत बड़ा एक्शन होगा, जैसे बता रहे थे वो जटखोड़ में है ना, उनको भी बुलाया जाएगा, उसके गांव के आदमियों को भी बुलाया जाएगा। ये डिस्कशन करिएगा कि क्या करा। यस यस, डिस्कशन बिल्कुल डिस्कशन करिए रहा कि भाई सब ने बुला के जो सही निर्णय होगा पंचायत करे। फिलहाल कमेटी वाले इकट्ठे हुए थे, और बिल्कुल प्रधान जी करूँगा, आपसे बात करूँगा, क्या है दर्शक के बीच बीच में बताते रहना पड़ा है, सारी बात समझाते रहना पड़ा है। मेरी रिक्वेस्ट यह है, इस वीडियो में शेयर करो ना, कोई जातिवाद की बात है, ना कोई धर्मवाद की बात, ना किसी और चीज़ की बात, ना को पुत्र या पोता वाली बात है, इसमें इसमें बात है सारी सारी हक की। अगर भाई अगर मेहर सिंह कमेटी का हक है, और गुरु मेहर सिंह जी गुरु हैं, सारे जितने खड़े सबके गुरु हैं, क्योंकि उनकी लिखी और रागणी आज कलाकार भी गाँव करके गाल तलपती छोटी अड़े गांव के छोरे ने कार खैरी में एक भी कर रखा है, घने लोगों ने उनकी रागणी दोबारा गाई है, ठीक है, उनके नाम के बिना आजकल गाने भी ना चलते, उनने के फिर मतलब इतने बड़े कवि का नाम का गलत यूज करना, गलती उसमें इसलिए कहूंगा क्योंकि उनका नाम काट दिया यार। हक की बात है, किसी का किला बांडा हो कब्जा कर लेना अच्छी थोड़ी होया कर, कब्जा तो फिर वह बात हो यार, अच्छी बात ना होती, रोले होया कर, रोला कदे होना भी नहीं चाहिए, भाईचारा बना कर रखो, तमाम भाईचारा बना कर रखो। ये हमारी रिक्वेस्ट है हरियाणा भाईचारा चैनल की, आप सब तो रिक्वेस्ट है। प्रधान जी राम राम जी। देखिए, मेरा गाँव सिसाना है, ये उत्तर भारत की संस्कृति का एक केंद्र है, जहाँ जहाँ चार चार कवि हुए हैं, और साथ में ये भी हमारा बड़ा गांव है बरौना, हमारा जो निकास है बरौने से ही है, उनमें भी एक सूरवीर योद्धा साथ में कवि। देखिए, कोई बौद्धिक रूप से विकसित हो जाता है, कोई शारीरिक रूप से विकसित हो जाता है, लेकिन दोनों चीज़ या तो स्वामी दयानंद में थी, देव दयानंद में, या मेहर सिंह जी में थी, जो कवि भी थे और योद्धा भी थे। उनका काम सुभाष चंद्र बोस जी ने यह दे रखा था कि हमारे जो नौजवान हैं सेना में जो लड़ रहे हैं, उनकी दमनियों और सिराओं में रक्त का प्रवाह तीव्र करने के लिए तुमने ऐसी रागनियां सुनानी हैं कि जिंदा आदमी जो हथियार उठा ले मरे और भी एक बार हथियार उठा ले, तो ऐसे ऐसी रागनियां बनाना उसका काम था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी परिवेश में उसी समय उनके जिंदा रहते सुभाष चंद्र बोस जी का खिस्सा उनके सामने सुनाया करते थे, रागनियां फौजियों को भी सुनाया करते थे, उनके सामने उनके जिंदे जी सुभाष चंद्र बोस जी का खिस्सा पढ़ाया था। दो ही कवि ऐसे हुए हैं हमारे इस उत्तर भारत में जो पात्र थे, जिनकी कहानी ली वो जिंदा एक्टर लिए उन्होंने। एक तो हमारे गांव के बाजे भगत थे जिन्होंने धर्मकोर का सांग बनाया, वो जीवित थे उस समय, रघुवीर सिंह। और इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने जो किस्सा बनाया, सुभाष चंद्र बोस जी उस समय जीवित थे, बिल्कुल उनके सामने ही कविता सुनाते थे। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई हमारे लिए कोई वाल्मीकि नहीं, कोई दूसरी जाति नहीं, हमारे लिए सब बराबर भाई हैं। किसी ने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, किसी ने जाट के घर जन्म ले लिया, किसी ने वाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वो उसके बस की बात नहीं है, वो परमपिता परमात्मा के बस की बात है, उसको कहाँ जन्म दिया है। लेकिन इस तरह के महाकवियों में दयाचंद जी कम कवि नहीं, हम नहीं मानते उनको भाई कम है वे, लेकिन उनके और भी बहुत किस्से हैं, उनको भी सामने ले आए वे और उसको मिला के दिखाएं कि भाई सुबह जो हमारे सर्वरीर का किस्सा है मान लिया दयाचंद जी का, कि इसमें ये शब्द हैं और यही शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के किस्से में, ये बिल्कुल झूठ है, ये किस्सा चुराया गया है और ये अच्छी बात नहीं है। हम एक महापंचायत करेंगे अब सोनीपत के अंदर, उसके बाद एक सर्वेखा पंचायत करेंगे, उस सर्वेखा पंचायत में सभी भाइयों का निमंत्रण देंगे, उनको भी देंगे, दयाचंद समिति को भी देंगे, वो यहाँ आए
विद्वता से अपनी बात रखें, पूरे पेशेंस से रखें, हमें समझाएं कि भाई ये दयाचंद का कैसा कैसे है। हम भी अपने विद्वानों को बुलाएंगे, वो अपने विद्वानों को बुलाएं, हमें समझा दें। हम हमारी बात बारी होगी तो हम, वो उनकी होगी तो हमारा। कोई भी आदमी आ गया सुमेर सिंह की छाप नहीं लगाएगा अगर वो ये छाप प्रमाणित कर दे यहाँ हमारी पंचायत में आकर के। और अगर हमारा पंचायत में साबित हो जाता है तो उन्होंने छोड़ देनी चाहिए, ताकि ये जो झंझट है ये आगे जाति पाति का कोई वो मिसाल ना, मसला ना बन जाए, इसको खत्म करने की बात। बहुत बड़ी बात कही फिलहाल प्रधान जी ने। अक भाई कह तो बोले तुम्हें छोड़ देकर हमें छोड़ देंगे, जब बड़े बड़े बुजुर्ग मैं एक बात का खंड क्याले जवाब बैठेंगे, इंसाफ आप कर देंगे, तुम अपने सबूत दे दिए और ये अपने दे देंगे। समिति ने साथ सब बात कह दी, लेकिन रोला कड़ा होगा अगर ये बुलावर अगले ना हो। फिर तो उन्होंने कहा अगर बोले आदि ना है तो फिर तेरे में खोट से। फिलहाल इस वीडियो में तो कर दियो शेयर, थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दियो। फिलहाल सोनीपत के गाम ब्रोना के मैं लाइव तुम देखना लग रहे हो, सोनीपत के गाम ब्रोना तलाव देखना लग रहे हो, खरखोदा तहसील, और तमाम बड़े बुजुर्ग तमाम कमेटी जो है वह तैयार खड़ी थी। प्रधान जी आप तक कहूँगा एक बार आगनी जरूर सुना दे, क्योंकि प्रधान जी जिक्र कर रहा है वो बोला खून मुबाड़ा आ जाए अगर तमुर्दा के भी वो ऊपर चाल जहाज वाई नीचे चाल टैंक कैरियल। आप रागणी गाओ भी हमने सुनी भी आपकी, तो थोड़ी सी रागणी अगर आपकी इजाजत हो तो सुन से कहा दर्शका तक भी पहुंच जाओ। आप गाओगे? आप गा दो। नीचे चाल टैंक कैरियर हेरे ऊपर जहाज हवाई, यह रागणी है। क्या बात है। चलो फिलहाल इस वीडियो ने तो शेयर कर दो जी, फिलहाल इस वीडियो ने तो शेयर कर दो। थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दो। मिला थर राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।